मात्राभस्थी करने के लिए सबसे पहले पेशेंट के लोअर बैक पे ऑयल की मसाज की जाती है। ऑयल आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, वो नारायण तेल हो सकता है, महानारायण तेल हो सकता है, धन्वंतरम ऑयल भी हो सकता है। उसके बाद जो हमने मात्राभस्थी के लिए, मात्राभस्थी हम ऑयल अनीमा को बोलते हैं, मतलब इसमें हमने अनीमा को ऑयल को एनल रीजन में इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो मसाज के बाद हम पेशेंट के लोअर बैक पर ही स्टीमिंग करते हैं, मतलब स्नेहन और स्वेदन हमने ज़रूर करना है। और उसके बाद जो मात्राभस्थी के लिए हमने ऑयल सेलेक्ट किया है उसको हमने 50 ml की सिरिंज में फिल करना है, क्योंकि मात्राभस्थी की जो क्वांटिटी रहती है वो 30 ml टू 50 ml रहती है। उसके बाद हमने किसी भी कैथेटर से, जिसके जो कि आगे से ओपन हो, वो यूज़ करना है और उससे पेशेंट के एनल रीजन में ऑयल को इंसर्ट कर देना है। और ये चिकित्सा बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको हड्डियों की कोई भी परेशानी है उसके लिए, एज वेल एज जो गायनी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, लेडीज़ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसमें भी, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए भी बहुत कारगर है, और भी आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको फिट रखता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक मात्राभस्थी का इस्तेमाल किया जाता है।